आपने कुछ टिप्स दिए कि नहीं सर? मैं मराठी में कोई टिप्स नहीं दे सकती और डांस की बात करें तो डांस के तो कोई भी टिप्स देने की जरूरत नहीं है अविनाश को, ही सच अ गुड डांसर। मुझे खुद को डर लगता है जब मैं अविनाश के साथ डांस करती हूँ, बिकॉज मुझे मैचअप करना पड़ता है। मेरा स्टाइल ऑफ डांसिंग बड़ा डिफरेंट है, अविनाश का बहुत डिफरेंट है, तो उसको मैचअप करना बहुत मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट करते हैं हम लोग वीडियोज बनाते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात है, आई थिंक आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ही इज़ वेरी वेरी गुड और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अविनाश एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर होंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा आपने? कभी आप कह रहे हो कि हमारी लाइफ, हम शादी से पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे और शादी के बाद भी आज वही दोस्ती बरकरार है। ऑब्वियसली एक नाम दे दिया गया है हस्बैंड वाइफ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सच बड़ी नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि प्यार इतना बड़ा है कि यू फील फॉर ईच अदर एंड यू वॉन्ट टू बी विद ईच अदर, और यही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक अच्छे एक कपल का और एक मैरिड लाइफ का, यही एक मैं कहूँगी कि ऐसा ही होना चाहिए हर एक के साथ। अभी तो उस फिल्म की शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो उसका एक भाग शूट किया गया है इगतपुरी में और एक भाग दुबई में, और अभी एक भाग बचा हुआ है जो हम लोग मुंबई में शूट करेंगे। और अभी तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें मैंने सुबोध भावे जी के साथ में काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे वन ऑफ द वेरी फेवरेट एक्टर हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं। समीर सुरवे जी उसके डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और मराठी में एक पहली फिल्म होगी जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि पारिवारिक फिल्म, हम आपके हैं कौन टाइप, तो एक मराठी में एक ऐसी फिल्म आएगी जिसमें बहुत ही पारिवारिक रिश्तों को दिखाया जाएगा, ह्यूमर होगा, रोमांस होगा, सब कुछ होगा और बहुत